माय डियर फ्रेंड, यदि आज आप स्ट्रेस से, चिंता तनाव से लगातार परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपको राह दिखा सकती है। आज स्ट्रेस बच्चे से लेकर बड़े तक की जुबान पर हर वक्त रहता है। स्ट्रेस के आज एक बड़े कारण और उसके समाधान के ऊपर बात करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथियों, यदि आपके जीवन में लगातार चिंता है या स्ट्रेस है तो इसका एक बड़ा कारण है कि आप अपने एक्शन में से जो भी आप जीवन में करते हैं उसके अंदर से इंटेंसिटी को खो बैठे हैं। इंटेंसिटी जब आपके एक्शन से गायब हो जाती है तो यहीं से आपका स्ट्रेस या चिंता बढ़ता है, यहीं से आपके डिसीजन गलत होते हैं, यहीं से आपकी प्रोडक्टिविटी घटती चली जाती है। साथियों, जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो खेलता हुआ कभी नहीं थकता, सुबह से शाम तक खेलता है। कोई भी कलाकार जब अपनी कला की अभिव्यक्ति करता है तो वो थकता नहीं, वो भूल जाता है उसके खाने और सोने का समय क्या है। कारण सिर्फ इतना है कि वो पूरी इंटेंसिटी के साथ में अपने एक्शन से जुड़ा रहता है। और इंटेंसिटी के साथ जुड़ने के लिए ज़रूरत है कि आपका माइंड और इमोशन आपके एक्शन के साथ जुड़ा हो। जब आपका माइंड और इमोशन आपके एक्शन के साथ जुड़ा होता है तो इसी में से इंटेंसिटी पैदा होती है, इसी इंटेंसिटी में से क्रिएशन होती है, इसी क्रिएशन का दूसरा नाम परमात्मा है। फिर आपको थकान नहीं होती, फिर आपको चिंता नहीं होती, फिर आपको घबराहट नहीं होती। आपने यदि अपनी इंटेंसिटी को खोया है तो बात साफ है कि आपका माइंड और आपका इमोशन आपके एक्शन के साथ नहीं है। अपने माइंड एंड इमोशन को अपने एक्शन के साथ में अलाइन नहीं करेंगे, आपके एक्शन के अंदर इंटेंसिटी पैदा नहीं होगी, आप लगातार स्ट्रेस, चिंता और थकावट से परेशान रहेंगे। अब सवाल ये है कि किस तरह से हम अपनी इंटेंसिटी को वापस लाएं। इंटेंसिटी को वापस लाने के लिए अभी हमने समझा कि अपने माइंड को, आपके अंदर जो थॉट चलता है उससे पैदा हुआ इमोशन आपके एक्शन के साथ में एक होना चाहिए। यदि वो एक्शन के साथ में एक होता है तो युद्ध में लड़ता हुआ योद्धा भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम को भूल जाता है और भूख प्यास को भूल करके लगातार लड़ता रहता है। उसे किसी तरह की चिंता या थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका माइंड और इमोशन पूरी तरह से अपने एक्शन के साथ होता है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। करने के लिए छोटा सा मैं अभ्यास बताऊंगा जो बहुत सरल है, हर दिन आप कर सकते हैं, निश्चित आपको राहत मिलेगी। सुबह से लेकर के रात तक जब तक आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं, सुबह से लेकर जब से आप ब्रश करते हैं उसी मोमेंट से आप अपने वर्तमान के पल से जुड़ जाइएगा। आप ब्रश करते हुए पूरी तरह से ब्रश को फील करिएगा। आप महसूस करिएगा कि आपने ब्रश पकड़ा है और आप उसको कर रहे हैं। जब उसकी पूरी फीलिंग में चले जाएंगे तो आप वर्तमान में वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद में नहाने के समय पर पूरी तरह से पानी को फील करेंगे, वो आपके शरीर के ऊपर गिरता है। उसके बाद में आप खाना खाते हैं, बनाते हैं या सर्व करते हैं, अपने मन और इमोशन के साथ में उस खाने के साथ में जुड़ जाइएगा। आप ड्राइविंग करते हैं, आप टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, पूरी तरह से उस इमोशन के साथ में आप जुड़े रहिएगा। इमोशन और माइंड जब आपका एक्शन के साथ जुड़ा रहता है तो यहीं से साथियों इंटेंसिटी पैदा हो जाती है। और जब इंटेंसिटी पैदा हो जाती है तो स्ट्रेस अपने आप में ख़त्म हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उस जगह को फील करिएगा। जहाँ आप बैठे हैं उस जगह को फील करें। आप लेटे हैं तो उस जगह को फील करिएगा। आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो आप उसे फील करिएगा। श्वास आपकी बाहर जा रही है तो आप उसे फील करिएगा। पूरी तरह से जब आप वर्तमान के साथ में जुड़े रहेंगे, अपने थॉट और इमोशन को वहाँ पर जोड़ करके रखेंगे, तो यहीं से आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी कि आप अपने एक्शन में इंटेंसिटी पैदा कर पाएंगे। और इसी इंटेंसिटी से आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, यहीं से आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बड़ी गलती को सुधारने के लिए साथियों हमें छोटी छोटी गलतियों को सुधारना होता है। किसी बड़े काम को करने के लिए हमें छोटे छोटे काम को सही तरह से करना होता है। यहीं से हमारी सफलता पैदा होती है, यहीं से हमारी खुशी, यहीं से हमारा आनंद पैदा होता है। यदि आप अपनी इंटेंसिटी का ख्याल रखेंगे, आप अपने माइंड और इमोशन को एक्शन के साथ बना करके रखेंगे तो फिर आपको चिंता नहीं होगा, फिर आपको डर नहीं होगा, फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा, फिर आप खुशी और आनंद में रहेंगे। सिर्फ आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप दूसरा काम करें, अपने लिए रिमाइंडर लगाएं, अपने आप से बार बार एक सवाल करते रहें, क्या मैं वर्तमान के पल से जुड़ा हुआ हूँ, क्या मेरा माइंड एंड इमोशन अपने एक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप अपने आप को ये सवाल करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आप अवेयरनेस में रहेंगे। और अवेयरनेस में रहने का मतलब है कि आप बार बार वर्तमान के पल में आ जाएंगे। आपका माइंड एंड इमोशन आपके एक्शन से जुड़ेगा और यहीं से क्रिएशन होगी, यहीं से जीवन की सफलता की शुरुआत होगी।
आप अभ्यास जरूर करना, निश्चित ही आपको राहत मिलेगी, स्ट्रेस से बाहर आएंगे। रात में जब सोने के लिए चले जाएं तो पूरी तरह से अपने बिस्तर को फील करें, सीधे लेट जाएं, अपने शरीर को फील करें। आप महसूस करें कि आपकी श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप अपने पूरे शरीर को फील करते रहें, अपनी श्वास को फील करते रहें। इसी से आपकी नींद की क्वालिटी बदलेगी, आपके इमोशंस पॉजिटिवली आपके अंदर प्रोसेस होंगे, आपकी सुबह बेहतर होगी, अगला दिन भी आपका अच्छा बीतेगा। सिर्फ आपको अपने माइंड को अपने इमोशन के साथ और इमोशन को अपने एक्शन के साथ को जोड़ करके चलना है, इसका सिर्फ अभ्यास भर आप करना है और करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे और निश्चित ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। Thanks for your love and support. See you soon in the next video. Thank you.